मध्य प्रदेश की सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक ने जीत दर्ज की। रीति पाठक ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह को करीब 2,78,000 से अधिक वोटों से हराया है। अजय सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं और वे पिछले विधानसभा चुनाव में भी हार गए थे। वे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे हैं। कुल मिलाकर रीति पाठक की जीत बेहद मायने रखती है, इसलिए कि उन्होंने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह को पटकनी दे दी है। रीति पाठक के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे बेहद मिलनसार और सौम्य स्वभाव की है। वह जनता की तकलीफ सुनती हैं, जनता के बीच जाती हैं और जनता से उनका सीधा सीधा जुड़ाव है। इस बार मोदी लहर के साथ उन्हें उनके व्यक्तित्व का भी लाभ मिला है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर अपनी सरकार का आगाज कर दिया है। वहीं इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों में 28 सीटों पर जीत दर्ज की है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश में केवल छिंदवाड़ा संसदीय सीट पर ही अपना खाता खोल पाई है। गौरतलब है कि यहां से मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।